सब गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइस, कैसे हो यार आप लोग? तो गाइस, आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं नहावा के एकदम रेडी हूँ, और अभी बजे से मैं खाना खा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं आरसी के बारे में, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आज हम आरसी लेने के लिए जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग गए थे, लेकिन हम लोग को आरसी नहीं मिला। लेकिन इस बार अभी जो कॉल आया मेरे पास उनके वहाँ से कि आपकी आरसी आई हुई है, तो आप अपने आरसी आके ले जाओ। तो गाइस, अभी चलेंगे सबसे पहले हम अपनी आरसी लेने के लिए, और आरसी लेने के बाद फिर हो सके तो हमने एक डुप्लीकेट आरसी करवा लेंगे वहाँ से, ई मित्र से कहीं से, और फिर घूम फिर के एक दोस्त के पास जा कर के और फिर आ जाएंगे। हम चल रहे हैं आमिल के घर, और आमिल के घर पे जा कर के उसको ले करके फिर हम जाएंगे हीरो शोरूम, और वहाँ से अपनी आरसी लेकर के हम ई मित्र में जाएंगे। ई मित्र में बाद फिर अंशु के पास जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसके पास? आमिर के पास। तो चलिए चलते हैं। हम लोग चल पड़े हैं आरसी लेने के लिए शोरूम, और वहीं चल के आपको दिखाते हैं। फाइनली गाड़ी की आरसी हमें मिल गई है, गाड़ी की आरसी ले लिया है, और गाड़ी में छोटा मोटा सा काम था वो अभी हमने करवा लिया है। अब हम चलेंगे सबसे पहले ई मित्र में, जहाँ पे हम आरसी की डबल कॉपी करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद में चलते हैं हमारे फ्रेंड के पास, अंशु के पास चलते हैं फिर। फाइनली हम मनोज फोटो स्टूडियो पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम जल्दी से वो करवा लेते हैं, इसकी कॉपी करवा लेते हैं, और धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है यार, तो जल्दी से निकलते हैं फिर अंशु के पास। पूरी तरीके से पॉपआउट हो चुका है हमारा। हम जा रहे थे अंशु के पास अंशु से मिलने के लिए, और वो कह रहा है बंदा कि मैं कहीं बाहर आया हूँ सीएलसी के पास, मतलब कोई कॉलेज उधर कोई काम से गया हुआ है, तो वो कह रहा है मुझे लेट हो जाएगा, तो उससे मिलना तो नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, घर पे मुलाकात होगी। गाइज, ये वो रास्ता है जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा था, और ये फाइनली खुल चुका है लगभग 15-20 दिन के बाद में। ये रास्ता बंद था, हमें घूम करके जाना पड़ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था यार, और ये रास्ता खुल गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका परमानेंट इलाज हो चुका है इस रास्ते का। ऐसी है कि मैं जब शोरूम में गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे यार वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ देख के लोग बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा रिएक्शन करते, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते। तो गाइस, इस वजह से फिर मैंने ना वो बनाया नहीं वीडियो, तो उसके लिए यार माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हाँ, बाकी अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो जा करके वहाँ पर प्लीज़ यार एक बार इंस्टाग्राम जरूर विजिट करना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।